भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए कपड़ा व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सन्नी हत्याकांड का आरोपी डीजे मृतक के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी को बंदूक की नोक पर केस उठाने की धमकी दे रहा था। तभी स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर हबीबपुर पुलिस के हवाले कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे को गिरफ्तार कर थाना ले आई। मृतक सन्नी की पत्नी जस्मीन ने बताया कि डीजे घर पर आकर धमकी दे रहा था। इसी बीच आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सभी के सहयोग से अपराधी डीजे पकड़ा गया। गौरतलब है कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में डीजे नामक युवक ने मोमिन टोला निवासी मोहम्मद सन्नी की रविवार के दिन बीच सड़क पर गोली मार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाना में मोहम्मद डीजे उर्फ दिलशाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इधर पकड़े गए आरोपी का पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। और अभी आया था मेरे को पुलिस कितने बहुत बोली अब तेरे को मार देंगे मार देंगे चंद्रे पे चार के संभालने के लिए फांसी दी तब मेरे कलेजे में टट्टा भी नहीं पिता को मार देंगे चार की मारी ना उसको विभिन्न दुर्गा मंदिरों में बुधवार को शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर पूरा शहर भक्ति में सराबोर है। सभी दिशाओं में मां दुर्गा के भजन और अन्य धार्मिक गीत गुंजयमान है। इधर बुधवार को सिद्धिदात्री जगदम्बा दुर्गा मंदिर में पूरे विधि विधान से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र पर्व पर तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य का स्वभाव सुंदर हो जाता है और उसके जीवन में कई प्रकार की खुशियां आती है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान चमकीला होता है। माता चंद्रघंटा शेर पर सवार होकर आती है और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती है। तो इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। जो मांगेगा वो मिलेगा। कब से 1987 से हम लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं। आगे भविष्य क्या करता था मालूम नहीं। रोड पर क्यों करना चाहता? रोड पर नहीं करना पड़ा। ये बजरंग बली के पास था ये स्थान। अच्छा। ये पीपल के बर का गाछ था। वही नाम मिलती थी महानी। अच्छा। तब ये बर का गाछ जमीन बिक गया और बर का गाछ कट गया तो महानी ने अपनी पूजा यहाँ ले ली। तो तब से आप लोग भी रोड पर उतर गए। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसके दर्शन? ये पूरे कमिश्नरी भर का लोग आते हैं। बांका, जमुई, मुंगेर, ये जमालपुर। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 115वीं जयंती बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अंबेडकर विचार विभाग में तिलका मांझी भगत सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीएमयू के पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने की। इसके पूर्व शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पीजी हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र ने कहा कि अंग्रेज अधिकारियों से टक्कर लेने वाले भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आजादी का मांग जारी रखा। इस दौरान बहुजन स्टूडेंट यूनियन के सोनम राव समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और आप जानते हैं कि 23 वर्ष में उनकी शहादत युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत आज भी है। इतने लंबे वर्षों के बाद मुझे यही रही कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मुझे उनका 23 वर्ष का कभी किला नहीं डेरा नहीं धैर्य का सामना किया। फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा तो डर कर नहीं चढ़ा कि हम मर जाए। तो देश के लिए जो कुर्बानी है हमको याद करते हैं। ये दिन है, एक महान दिन है, देश के लिए महान दिन है और सदा उसी के लिए रहेगा। सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस को लेकर भागलपुर आईएमए हॉल में डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया से जुड़े चिकित्सकों और पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
वहीं हृदय रोग को लेकर डॉक्टर मरीजों को जागरूक करेंगे। साथ ही आईएमए भागलपुर के डॉक्टर हृदय रोग को लेकर जागरूकता रैली भी निकालेंगे, जबकि जेएनएमसीएच के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ओपीडी में इलाज को आए मरीजों और परिजनों को हृदय रोग के कारण लक्षण और बचाव की जानकारी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर हेम शंकर शर्मा समेत कई चिकित्सक ने हृदय रोग से बचाव के उपाय बताए। इस अवसर पर डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर ए के सिन्हा, डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर आरवी जायसवाल, डॉक्टर आशीष सिन्हा, सैयद जीजा हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे। आईएमए अपनी तरफ से आगे बढ़ करके, क्योंकि हार्ट डिजीजेस जिस तरह से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है पूरे विश्व, और सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, अब तो यंग लोगों में भी हार्ट डिजीजेस बहुत कॉमन होता जा रहा है। उसके कई कारण हैं जो कि अभी डिस्कशन में आपको लोग बताएंगे, स्पेशलिस्ट हैं। पर हम लोगों को इन सब बातों के लिए जागरूक करना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेस, खान पान और इन सब वजहों से ही ये डिजीजेस, हार्ट डिजीज प्रेजेंट हो रही है। कल के कार्यक्रमों में नॉर्मली हम लोग हर वर्ष रैलियां निकालते हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन दुर्गा पूजा का, नवरात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, घर घर में लोग अपने बिजी हैं, तो हम लोगों ने इस बार तय किया है कि हर चिकित्सक अपने क्लिनिक में जो भी उनके मरीज आएंगे उनको उत्प्रेरित करेगा, उनको समझाएगा और हृदय रोग और जीवन शैली में कैसे बदलाव हो सकता है उस पर एक छोटी चर्चा, जो भी मरीज वहाँ उपलब्ध हो 5, 10, 25, 50 के संख्या बल में उनको अपना एम्बेसडर बनाते हुए उनके माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश हम लोग दें कि उठो, जगो, अपने दिल को बचाओ और दूसरों के दिल को भी बचाओ। आप जानते हैं कि आज हर साल 17 मिलियन लोग हृदय रोग से मरते हैं भारत में, जो कि कहते हैं कि लो इनकम ग्रुप कंट्री है या मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है, गरीब देश है। यहाँ ऐसे देश जो हैं 75% हृदय के रोगी हमारे गरीब देशों में ही मिलते हैं। भारत में भी हर साल करीब करीब 4 मिलियंस डेथ होते हैं हर साल। तो आप जो समझ सकते हैं कि इन हृदय रोग को कैसे बचाया जा सकता है, इस बार का नारा है यूज हार्ट फॉर एवरी वंस हार्ट, मतलब अपने दिल से मात दीजिए हृदय रोग के रोगियों को, देखभाल करिए और हृदय रोग को मात दीजिए। 3 बातें हैं उसमें, हृदय से बात जब करते हैं तो आप हर मानव का ख्याल करिए, ह्यूमैनिटी का ख्याल करिए, अन्य लोगों का ख्याल करिए, चूंकि यह गरीब देश है और हर लोग जो है हृदय रोग का इलाज करने में सक्षम नहीं है, तो हमें मदद करना है सही जगह पर जाने के लिए और सही इलाज करने के लिए, ताकि वह उपलब्ध कर सके अपना जो है रोग का जो है जो एंजियोप्लास्टी है अदर्स चीज में, उन लोगों को मदद मिल सके। भागलपुर शहरी क्षेत्र में पूजा पंडालों और विभिन्न वार्डों में नगर निगम की ओर से साफ सफाई नहीं किए जाने पर लोगों में आक्रोश है। जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। गौरतलब है कि बेहतर साफ सफाई की मांग को लेकर मंगलवार को घंटाघर चौक पर दुर्गा पूजा महासमिति ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर एक दिवसीय धरना दिया था। इसके बावजूद बुधवार को शहर में गंदगी का अंबार लगा रहा। वही शांति समिति के तकी अहमद जावेद ने बताया कि पहले जिन वार्डों में सफाई मजदूर काम कर रहे थे उनका तबादला कर दिया गया है और नए कर्मी निवर्तमान पार्षद की बात ही नहीं मानते, इसलिए शहरवासी गंदगी से परेशान हैं। जबकि कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा कि नवरात्र को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त को सफाई कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से दुर्गा पूजा के अवसर पर मुख्य बाजार, वार्ड एवं पूजा पंडालों के आसपास नियमित सफाई कराने की मांग की है। जब भी शांति समिति की बात बैठक होती है, चाहे माननीय जिला अधिकारी के यहाँ, SDM से अवगत, हम लोगों ने अपने भागलपुर शहर के विकास के बारे में चिंतित रहे। बड़ी बहुत अफसोस की बात है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एक दूसरे का ट्रांसफर, बहुत अफसोस है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर दूसरे वार्ड में जाएगा तो उसको गली गुची जाने में थोड़ा सा समझ लग ले, देर लगेगा, ऐसी स्थिति में किस तरह का सफाई होगा। मैं विभिन्न एरिया में जाकर
भागलपुर के विभिन्न एरिया में जाकर, खासकर जहाँ पे दुर्गा स्थान है उस जगह भी जाकर हमने ये देखा कि लोग पानी में जा रहे हैं, कूड़े पर जा रहे हैं। बड़ी अफसोस है। हम शांति समिति के सभी पदाधिकारी इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बिल्कुल जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए, नहीं तो हो सकता है कि शांति समिति के लोग उग्र हो जाएं। देखिए, हम लोग इस शहर के लिए लड़ते मरते हैं और यहाँ विकास की बात करते हैं। दो साल बाद दुर्गा पूजा लोग मना रहे हैं, अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल चरमराया हुआ है। एक साथ लगभग काफ़ी लोगों को, मजदूरों को यहाँ से स्थानांतरण कर दिया है, इस वार्ड से उस वार्ड कर दिया गया है, और जो उसके प्रभारी होते हैं उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके वजह से जो है वार्डों में सफाई की व्यवस्था बहुत ही लचर हो गई है। लोग परेशान हैं और प्रशासन एकदम आंख मूंद करके सोया हुआ है। उसको कोई चिंता नहीं है कि भागलपुर की जनता किस तरह से अपना श्रद्धापूर्वक जो है पूजा पाठ करेगी। हम इसका विरोध करते हैं और डीएम साहब से भी हम लोग मिलकर ये बात करेंगे कि नगर निगम सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस पर जो है आम जनता का भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में धान की खेती में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि भागलपुर के सनहाला प्रखंड में भी इस बार धान की खेती मात्र 26.89 हेक्टेयर ही हुई है, जबकि सनहाला प्रखंड में कृषि के लिए 9,800 हेक्टेयर जमीन है। इधर धान की खेती नहीं होने से खेती पर निर्भर रहे किसानों को अब भुखमरी की चिंता सताने लगी है। वही सनहाला के किसान अपनी व्यथा लोकगीत के माध्यम से सरकार को सुना रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमारा सनहाला प्रखंड जो में मरा हो गया है, ये कहीं भी रोपा नहीं हुआ है, इसी पर हम एक लोक गीत गाने के लिए जा रहा हूँ। अरे मर गेल मकई धान प्राण, मर गेल मकई धान अब कसा बसा प्राण, हाय हो भगवान, मर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान, मर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान, मर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान, मारी गेल मकई धान अब कसा बसा प्राण, मारी गेल मकई धान अब कसा बसा प्राण, हाय हो भगवान, मर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान, मर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान, अरे घरबा में ढूकी के काना किसान हो, घरबा में ढूकी के काना किसान हो, हाय हो भगवान, मोर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान, मोर गिरल मकान हो, हाय हो भगवान। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के जिन कर्मियों को हाईकोर्ट ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है, उसमें विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मंगलवार को एसओ अमरेंद्र झा ने कॉलेज में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद कॉलेज कर्मियों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। वही अमरेंद्र झा ने बताया कि कोर्ट और कुलपति के आदेश पर वे सेवा देने आए हैं। बताया जा रहा है कि अमरेंद्र झा ने प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की मनाही के बावजूद कॉलेज में ड्यूटी ज्वाइन किया है। अमरेंद्र झा का कहना है कि कोर्ट और यूनिवर्सिटी ने जब आदेश दिया है तो वे योगदान क्यों नहीं करेंगे। इधर पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। और हाईकोर्ट ने कहा कि वैसे कर्मचारी जिनका 62 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो स्वतः कल से अपना कार्य आरंभ कर दें। मैं इसी हाईकोर्ट के जजमेंट को लेते हुए प्राचार्य को अपना मेरा जो काम रोका गया था 4 सितंबर 2019 से, उसकी कंटिन्यूटी में 26 अगस्त को यहाँ पे हाईकोर्ट के निर्देश पे अपनी सेवा की शुरुआत उसी कंटिन्यूएशन में करने के लिए आया। प्राचार्य ने मेरे आवेदन पर निर्देश दे दिया, पुट अप इन फाइल एज पर रूल्स, ट्रीट इट अर्जेंट। और इस अर्जेंट के बाद प्राचार्य ने हमारे सहित अन्य कर्मियों का कागजात लगा के विश्वविद्यालय को भेज दिया। एक महीने तक मुझे कहीं बैठने के लिए नहीं दिया गया। मैं इस कॉलेज में 38 वर्ष की सेवा कर चुका हूं। 38 वर्ष में 33 वर्ष में अकाउंट सेक्शन में काम किया, 5 साल में एसओ रहा, और मुझे कोई कुर्सी बैठने नहीं दिया गया।
मैं जहां बैठता था वहां से मुझे हटना पड़ जाता था, और प्रिंसिपल ने के बार बार कहने पर वो कहते थे यूनिवर्सिटी से पत्र आने दीजिए। अंततः मैं एक महीना गुजारा, यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आई, 23 तारीख की चिट्ठी 24 तारीख को हमें मिली। मैंने फिर से प्रिंसिपल को कहा कि अब तो मेरी चिट्ठी आ गई, उसके बाद भी उन्होंने टेबल कुर्सी नहीं दिया। ये मेरा जगह था, 1887 का ये कॉलेज है, 135 वर्ष से प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य की कुर्सी जैसे रखी हुई है, वैसे 135 वर्ष का प्रतीक ये जगह था जहां बड़ा बाबू बैठा करते थे। प्रिंसिपल ने मेरी कुर्सी टेबल फेंकवा दी और मैं अपने से अभी खींच करके अपना कुर्सी और टेबल लाया। इससे मैं मरमाहत हूं, दुखी हूं। इसी TNB का मैं स्टूडेंट रहा 75 से 79 तक। प्रिंसिपल के इस कृत्य का मैं घोर भर्त्सना करता हूं और विश्वविद्यालय से मांग करता हूं कि कॉलेज संस्थान हित में ऐसे प्राचार्य के विरुद्ध निश्चित रूप से अनुशासनहीनता की जो उन्होंने पराकाष्ठा लांघी है उन पर कार्रवाई की जाए। और मुझे अपमानित करने के बाद में अगर अगला कदम उन्होंने उठाया तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। प्राचार्य ये समझ ले कि न्यायिक आदेश सर्वोपरि होता है। न्यायिक आदेश के हवाले से कुलपति के द्वारा हुआ आदेश को अगर प्राचार्य नहीं मानेंगे तो मैं भी प्राचार्य के आदेश को नहीं मानूंगा। पिपैती प्रखंड अंतर्गत ट्राइसम भवन में दुर्गा पूजा एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर विकास पदाधिकारी चंद्र कुमार चक्रवर्ती की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शांति समिति सदस्यों, जन प्रतिनिधियों और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के द्वारा विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। वही थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया अरविंद साह, पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष रमेश प्रसाद रमन, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।